सागर में इन दिनों नाटक और संगीत के गुण सिखाने के लिए 5 दिवसीय कार्यशाला चल रही है। कार्यशाला का आयोजन दिव्य रंग एकता वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा कराया गया है। इसमें अलग अलग उम्र के बच्चे नाटक और संगीत के गुण सीख रहे हैं। होटल द हेरिटेज कन्वेंशन शादी के लिए सागर शहर में खूबसूरत व प्राकृतिक वातावरण में स्थित होटल द हेरिटेज कन्वेंशन, हमारा पता है कनेरा देव रोड सागर। यह ग्रुप 2014 से सागर में काम कर रहा है। इसने कई कलाकार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को दिए हैं। इसके अलावा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने इस थिएटर ग्रुप को रंगमंच की उपाधि भी दी है। ग्रुप ने मुंशी प्रेमचंद की गोदान की तर्ज पर लिखे नाटक का भी मंचन किया है। अब यह ग्रुप सागर के बच्चों को रंगमंच के लिए तैयार कर रहा है कि अगर बच्चों को सही उम्र में ये गुण सिखाया जाए तो आने वाले समय में हम इन्हीं बच्चों को बड़े पर्दे पर देख पाएंगे। कार्यशाला में हिस्सा लेने वाली अंकिता ने बताया कि कम उम्र में बच्चों का ऐसी कार्यशाला में भाग लेना उनके दिमाग को क्रिएटिव बनाता है। यहाँ बच्चों ने गायन, वादन और नाटक के गुण सीखे हैं। आपको बता दें कि मशहूर एक्टर राज बब्बर की पत्नी नादिरा बब्बर के साथ काम करने वाली सोनाली भी इस कार्यशाला में शामिल है। उनके अनुभव से भी बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। कुल मिलाकर बच्चों को छुट्टियों में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कार्यशाला का अनुभव बहुत अच्छा है। मतलब मेरे अनुसार बच्चों को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो इतना सब कुछ सीख रहे हैं, गायन, वादन, एक्टिंग। यहाँ पे मतलब उन लोगों को, उनका जो माइंड है वो बहुत आगे बढ़ता है। मतलब वो क्रिएटिव होते हैं, वो बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं, उनके सोचने समझने की क्षमता, जो उन्हें सबसे मेरे ख्याल से आजकल बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि बच्चे आजकल सिर्फ मोबाइल में, टीवी में लगे रहते हैं। मेरे हिसाब से जब वो खुद कुछ करते हैं, खुद कुछ सोचते हैं, तो उनके उनका दिमाग का विकास होता है, जिसके लिए ये जो प्रयोगशाला है वो बहुत ही अच्छी है। मैंने यहाँ पे सिंगिंग की करवाई है और 2-3 थोड़ी सी डांस की। कार्यशाला का अनुभव बहुत अच्छा था, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने भी मिली और जिस क्षेत्र से हम नहीं थे उस क्षेत्र की भी बहुत सारी जानकारी हमें यहाँ से मिली है। और उनके साथ भी काफ़ी कुछ एक्टिंग का अनुभव रहा है। उन्होंने ये भी बताया है कि अगर हम किसी भी प्ले में काम करते हैं और कुछ डायलॉग भूल भी जाते हैं तो उसको स्टेज पे ही करंट में कैसे उसको छुपाया जा सकता है और अपने प्ले को आगे बढ़ाया जा सकता है। डांस का भी एक्सपीरियंस यही है कि प्रैक्टिस करेंगे तो स्टैमिना बढ़ता है और जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी उतना अच्छा हम परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला तो इस कार्यशाला का उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर रंगमंच को लेकर जागरूकता लाना और खासतौर से अपना जो सागर क्षेत्र है इसमें बच्चों को रंगमंच के क्षेत्र में आगे करना, क्योंकि जैसे भोपाल है और अन्य जो आपके शहर हैं वो रंगमंच को लेकर काफ़ी समृद्ध हैं। अपने सागर में भी मेरा ऐसा ये मानना है कि बच्चों को अगर कम उम्र से इस चीज़ में अगर जागरूक करते हैं, आगे लाते हैं, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा मुकाम बच्चा पा सकता है बड़ा होकर के। और मेरा ऐसा मानना है कि जैसे मैं म्यूज़िक फील्ड से हूँ, थिएटर फील्ड से हूँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो मैंने सीखा है वो अगर बच्चों तक सिखा पाता हूँ और उनके अंदर एक इम्प्रूवमेंट भी ला पाया तो मैं खुद को ये सोचूंगा कि मेरा मैंने जो मेहनत की है वो अच्छी सही दिशा में जा रही है। दिव्य रंग एकता वेलफेयर फाउंडेशन हमारा एक थिएटर ग्रुप है। मुख्य रूप से इसको शुरू करने का उद्देश्य ये था कि सागर में थिएटर को बढ़ावा देना है, तो हमने एक ग्रुप क्रिएट किया और उसमें सभी को जोड़ा। उसमें सभी जो थिएटर करते हैं, जो कामकाजी लोग हैं वो भी थिएटर करते हैं, जो थिएटर करना चाहते हैं या सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं वो भी थिएटर कर रहे हैं। अभी ग्रुप में से काफ़ी लोग बाहर सेलेक्ट हुए, जैसे हरिनारायण चढ़ार हैं, वो MPSD में सेलेक्ट हुए मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा में। अनामिका सागर जो डायरेक्टर हैं दिव्य रंग एकता वेलफेयर फाउंडेशन में डायरेक्शन करती हैं, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपर्टरी में पिछले 6 साल से हैं। उन्होंने MPSD पास आउट कर चुकी हैं। वो उन्होंने PG भी किया है थिएटर्स में और मैंने भी थिएटर्स में PG किया है। लगभग ग्रुप में जितने भी लोग हैं सब थिएटर से PG हैं या फिर उन्होंने कहीं ना कहीं से ये थिएटर की तालीम ली है, सीखा है। और हमारा ये उद्देश्य है कि भविष्य में जब हम आगे बच्चों को सिखाएं तो वो विश्व पटल पर, लगभग आप फिल्म सोचें या थिएटर सोचें या नाटक सोचें, कहीं पे भी वो अपने आप को खरा उतार पाए बच्चे, हमारा ये उद्देश्य है। जी हाँ, हमारा एक नाटक के प्रोडक्शन है होरी, ये विष्णु शर्मा जी ने लिखा है और इसका जो मूल नाटक है वो है गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का। उसको लेके विष्णु प्रभाकर जी ने
नाटक बनाया होरी, जिसका मंचन हमने किया भारत भवन भोपाल में, उर्दू फेस्टिवल में, नवागत फेस्टिवल में, और जो मध्य प्रदेश नाट्य महोत्सव होता है अपने प्रदेश का, उसमें हमें इसमें बुलाया गया। और मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा की जो फेलोशिप होती है उसमें अनामिका जी को फेलोशिप प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने 5 नाटक किए, जिसमें सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी थी कि हमने मुंबई से नादिरा बब्बर जी को, नादिरा जहीर बब्बर जो थिएटर और फिल्म की बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, उनको हम लोग ने सागर बुलाया। उनका लिखा हुआ नाटक जी जैसी आपकी मर्जी, उसका मंचन हमने 25 जनवरी 2016 को रविंद्र भवन में मंचन किया। और हर विश्व रंगमंच दिवस पर हमारा ये उद्देश्य होता है कि हम थिएटर को लेके बढ़ावा दें बच्चों में, और खासतौर से जो जिनका रुझान है, जो एक्टिंग के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, जो संगीत में कुछ करना चाहते हैं, हम उनके लिए उपलब्ध हैं हमेशा। होटल द हेरिटेज कन्वेंशन, डीलक्स सुपर डीलक्स रूम, क्वीन स्वीट, प्रेसिडेंशियल स्वीट, बेड, डॉर्मेट्री, बनाएं अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के मैनेज गार्डन के साथ, जहां आपको मिलेंगे एक साथ 3 गार्डन, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इंडियन चाइनीज, साउथ इंडियन, स्विमिंग पूल, विशाल पार्किंग एरिया और CCTV कैमरे से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है कनेरा देव रोड, सागर, MP, फोन 9302290822।